तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है सभी परिमेय एवं अपरमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर फिलिंग द ब्लैंक्स संख्याओं का संग्रहण प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं भैया वास्तविक संख्या यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या को जब हम इकट्ठा करते हैं उसका जो संग्रहण होता है उसको क्या कहलाते हैं उसको हम बोलते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहा जाता है यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा वास्तविक संख्याएँ वास्तविक इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या इसका आंसर होगा भैया वास्तविक संख्या इसका फाइनल आंसर होगा इसमें इसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर ठीक है इसको हम बोलते हैं रियल नंबर अब देखिए सेकंड में क्या होगा संख्या आर को परिमेश संख्या कहा जाता है यह हो जाएगा पूर्णांक संख्या सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा पूर्णांक संख्या बोल सकते हो पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो ठीक है अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर को भी आप क्या कर सकते हो पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हो साथ ही साथ आप किसी भी इंटीजर को भी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो और किसी भी होल नंबर को भी आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो सेकंड का आंसर हो जाएगी पूर्णांक संख्या इसको आप पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर भी बोल सकते तो हो आपको तो थर्ड में दिया गया है यदि आर परमेय संख्या है और एस संख्या अपरमेय है तब आर प्लस एस और आर माइनस से संख्या क्या कहलाएगी भाई मैंने आपको बताया था किसी भी परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या जोड़ रहे हैं या किसी भी परिमेय संख्या में आप अपरिमेय आप आप संख्या घटा रहे हैं तो आंसर तो हमेशा क्या आएगा अपरिमेय संख्या आएगा इसको आपको याद रख लेना है ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जरूर ठीक है अपरिमेय संख्या होती है क्या होती है अपरिमेय संख्या होगी आप किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ या मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आएगा अपरिमेय संख्या ये आएगा फोर्थ में आपको दिया हुआ है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार फिलिंग द ब्लैंक्स होता है तो क्या होता है भाई इसको आपको याद रखना इसका होता है अनावर्ती 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 का मतलब क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ऐसी वैल्यू क्या होती है ये होती है अनावर्ती यानी कि ना तो रिपीट करेगी और ना ही वो वैल्यू रिपीट होगी ना ही उसकी वैल्यू टर्मिनेट होगी इसी को कहते हैं हम आप परमेय संख्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है पहला क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है आपको ये बताना है कि एक जो परमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है तो आपको याद रखना है उसका होता है शांत या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या तो वो आवर्ती होगा ठीक है आवर्ती दशमलव प्रसार देखो शांत दशमलव प्रसार होता है या आवर्ती दशमलव प्रसार होता है परिमेय संख्या का कोई सी भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है अगर वो परिमेय संख्या है तो तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग टर्मिनेट टर्मिनेटिंग और इसको बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ठीक है बट रिपीटिंग यानी कि आपको यह समझना है अगर वो टर्मिनेट हो गया तो ठीक है परिमेय संख्या होगी अगर वो टर्मिनेट नहीं हुई तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रिपीट हो जाएगी ठीक है डेसिमल के बाद में जो उसकी वैल्यू आती है वो रिपीटेड होने लग जाएगी तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार या तो आवर्ती दशमलव प्रसार इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया जीरो व एक के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए जीरो और एक के बीच में एक परिमेय संख्या लिखना तो कौन सी हो जाएगी जीरो और एक को जोड़ के दो का डिवाइड कर देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी वन बाय टू तो जीरो और एक के बीच में अगर परिमेय संख्या बोला जाए तो किसी भी संख्या को बीच में अगर आपको परिमेय संख्या बोला जाए एक निकालने के लिए बोला जाए तो आप उन दोनों को जोड़ के दो का डिवाइड कर देंगे तो आपको एक परिमेय संख्या उनके बीच का मिल जाएगा ठीक है आपको क्या करना रहता है जो भी आपको संख्या दिया रहेगा जो भी नंबर दिया रहेगा जो भी आपको डिजिट दिए रहेंगे उनको जोड़ के उसमें दो का डिवाइड लगा देंगे तो आपको उनके बीच में एक परिमेय संख्या आपको आसानी से पता हो जाएगा थर्ड में आपको दे रखा है थ्री है थ्री पॉइंट वन फोर टू सिक्स सेवन एट इसमें पूछा गया क्या एक परिमेय संख्या है ठीक है इसका आंसर क्या आएगा हाँ एक परिमेय संख्या है क्यों हाँ, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गई इसकी वैल्यू आगे नहीं गई है और रखा है सिक्स अंडर रूट फाइव को टू अंडर रूट फाइव से गुणा करने का मान क्या होगा ठीक है इसको गुणा करना है देखो इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा सिक्स टू जो ट्वेल्व और अंडर रूट फाइव अंडर रूट फाइव का मल्टीप्लाई कर दे तो रूट हट जाता है कितना, जाएगा 5, 5 कितना जाएगा, 60, हो जाएगा फाइव ट्वेल्व फाइव से कितना हो जाएगा सिक्सटी इसका आंसर हो जाएगा सिक्सटी फोर्थ वाले का आंसर आ जाएगा सिक्सटी तो, तो आपको फिफ्थ में इसको इसको आपको दोनों को प्लस करना है तो आप जैसे ही इसको ब्रेकेट हटाएंगे ब्रेकेट हटाएंगे क्योंकि प्लस का साइन बाहर है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा अंडर रूट टू है और यहाँ पे अंडर रूट टू है तो कितना हो जाएगा इसको बोलेंगे थ्री अंडर रूट टू और साथ ही साथ ये फाइव अंडर रूट थ्री है और ये माइनस का थ्री अंडर रूट थ्री है तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का टू अंडर रूट थ्री इसका आंसर हो जाएगा थ्री अंडर रूट टू प्लस टू अंडर रूट थ्री ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का एक शब्द में उत्तर में जो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा वो शांत दशमलव प्रसार या तो उसको आवर्ती दशमलव प्रसार आप बोल सकते हैं सेकंड वाले में क्या है वन बाय टू आंसर आएगा थर्ड वाले का आंसर आएगा हाँ और फोर्थ वाले का आंसर आएगा सिक्सटी और फिफ्थ वाले का आंसर आएगा थ्री अंडर रूट टू प्लस टू अंडर रूट थ्री इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ सत्य और असत्य ठीक है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता, तो होता है या तो आवर्ती दशमलव होता है ठीक है इसको आपको बताना है कि हाँ होता है कि नहीं होता है, हाँ है। किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है या तो वो शांत होता है या तो आवर्ती दशमलव प्रसार होता है तो बोल देना पहली वाली बात तो सत्य है सेकंड में आपको पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है बोल देना हाथ सत्य होती है ये भी होता है सत्य है देखो थर्ड में आपसे पूछा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझ लेना है तो मैं आपको बता देता हूं देखिए पहले होता है पहले आती है प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या फिर आता है पहला आ गए प्राकृतिक संख्या दूसरा होता है पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या जो तीसरा होता है वो होता है पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या देखिए ये तीन नंबर होते हैं तीन नंबर को आपको विशेष करके ध्यान रखना है मैं आपको समझा देता हूँ तीनों क्या क्या होते हैं प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो एक से लेके इनफाइनाइट तक जाती हैं पूर्ण संख्या वह संख्या होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाती हैं और पूर्णांक संख्या यह होती हैं जो जीरो से लेके इधर भी इनफाइनाइट तक लिखी जाए और इधर भी माइनस में माइनस वन इस माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये इधर भी इनफाइनाइट तक यानी कि इसमें ऐसी वैल्यू जो नेगेटिव हो और पॉजिटिव दोनों आती हैं उसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या तो देखिए इसमें जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर आएगी प्लस के और यहाँ पे जीरो से लेकर माइनस तक नंबर इनफाइनाइट तक जाएंगे ठीक है की बात करें पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक लिखी जाती है जीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इनफाइनाइट तक हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो वन से स्टार्ट होकर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनफाइनाइट तक लिखी जाए उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और पूर्णांक संख्या जीरो से प्लस तक पॉजिटिव के सारे इनफाइनाइट तक और नेगेटिव की सारी तक लिखी जाने वाली संख्याएं है हमारी क्या होती है पूर्णाक संख्या तो आपको बताना है देखो पूर्ण संख्या ये जो पूर्ण संख्या ना पूर्णांक संख्या में आती है पर ये पूर्णांक संख्या है यहाँ पर देखो माइनस वन है क्या माइनस वन इसमें आती है क्या नहीं आती ना तो वही आपसे पूछा गया कि जो थर्ड में पूछा गया है कि आपको प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या ये पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण होती है प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है ठीक है यानी कि थर्ड वाला आंसर आपका असत्य आएगा ठीक है तो अगर आपसे पूछा गया तो पहले सेकंड वाले में क्या पूछा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या मिलती है क्या तो सारी प्राकृतिक संख्या देखो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या क्या होती है एक से स्टार्ट होती है तो ये एक एक इसमें भी आएगा दो तीन चार पाँच छः सब इसमें भी आ जाएगा ना तो यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आपको मिलेगी इसीलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है पर सभी पूर्ण संख्या प्राक संख्या नहीं होती है और साथ साथ सभी प्राक संख्या पूर्णांक संख्या हो जाएगी बट पूर्णांक संख्या प्राक संख्या नहीं होगी इस बात को आपको ध्यान रखना ये हो जाएगा और ये नहीं होगा ठीक है ये एरो इधर गया है बात याद रखना कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होगी वो पूर्णांक संख्या कहलाएगी बट ऐसा कभी नहीं होगा कि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी सब आपको दिया गया थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी तो बोल देना नहीं होगी ये असत्य है फोर्थ वाले की बात करें प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है क्या परिमेय संख्या ये जो चौथा आता है पे होता है परिमेय संख्या ठीक है परिमेय संख्या भी आता है तो परिमेय संख्या भी लिख लो तो आपको पूछा गया है तो फोर्थ में पूछा गया प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है क्या जो पूर्ण संख्या होती है वो परिमेय संख्या बिल्कुल होती है ठीक है ये बोल देना कहाँ सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं और प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती है बट ऐसा नहीं होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है इस बात को आपको ध्यान रखना है ठीक है मैंने आपको बता रहा हूँ पर अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक तो है तो आपको ये सारी चीज़ें समझना है तो यहाँ पर आपको प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है तो बोल देना हाँ सत्य है और अगर हम फोर्थ की बात करें प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या प्रत्येक परिमेय परिमेय संख्या संख्या अब देखो प्रत्येक बोल रहा है ना प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होगी मैंने आपको बताया था प्रत्येक पूर्ण परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी ठीक है इस बात को आपको ध्यान रखना है यानी कि ये भी आपको दे रखा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो ये आपका गलत है दोस्तों इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं देखिए मैं आपको समझा देता हूँ प्राकृतिक संख्या पूर्ण फुन संख्या पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या ये सारे परिमेय संख्या के टाइप होते हैं या तो आप बोल सकते हैं परिमेय संख्या के ये भाग होते हैं तो हम वन बाय वन समझ लेते हैं देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अनशनी आवृत्ति तो होता है तो ये आपको बता दिया गया है कि एक सत्य है किसी भी परिमेय संख्या को आप टर्मिनेट कर सकते हैं या तो अगर नहीं टर्मिनेट होगी तो उसकी वैल्यू पुनरावृत्ति होने लग जाएगी तो यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या है प्राकृतिक संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर और इसकी बात करें पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर इसके बाद में हम पूर्णांक संख्या का मतलब बात करें तो क्या होता है इंटीजर होता है ठीक है थीके? इसको बोलते हैं इंटीजर और परमेय संख्या मतलब होता है रेशनल नंबर ठीक है तो देखिए अब आपसे पूछा जाएगा बताइए कि प्राकृतिक संख्या होती पूर्ण संख्या होती है तो बोल देना हाँ प्राकृतिक संख्याएं सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है और सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या भी होती है और सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्या भी होती हैं बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सारी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या हो जाए ठीक है इसी प्रकार से ऐसा कभी नहीं होगा कि सारी पूर्णांक संख्याएँ प्राकृतिक संख्या हो जाएँ और ऐसा कभी नहीं होगा ऐसा नहीं होगा ठीक है और ऐसा कभी ऐसा नहीं होगा कि सारी सारी पूर्ण संख्याएँ प्राकृतिक संख्याएँ होंगी ठीक है ये बात गलत है और इसके बाद में हम बात करें कि सारी के सारे जो पूर्ण संख्या होंगी वो पूर्णांक संख्या होगी और सारी के सारी जो पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या भी होगी बट ऐसा कभी नहीं होगा कि सारी संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो ऐसा नहीं होगा और ऐसा कभी नहीं होगा कि सारी की सारी परिमेय संख्या आपकी पूर्णांक संख्या हो ठीक है ये भी नहीं होगा आपको इस बात को विशेष करके ध्यान रखना है और सारी के सारी जो पूर्णांक संख्याएँ हैं वो परिमेय संख्या होती हैं बट सारी सारी जो परिमेय संख्या है वो पूर्णांक संख्या कभी नहीं होंगी ये आपको यहाँ पे बता दिया हूँ इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं इनको आपको समझना है ठीक है एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में देखिए आपको फर्स्ट में आपको ये समझना है कि जो सारी प्राकृतिक संख्या होती है वो सारी सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी कहलाई सकती है उसको कह सकते हो प्राकृतिक संख्या को आप पूर्णांक संख्या भी कह सकते हो प्राकृतिक संख्या को आप परमेय संख्या कह सकते हो बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आप परमेय संख्या को प्राकृतिक संख्या कह दो ठीक है ऐसी सारी परमेय संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं और सारी सारी पूर्णांक संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते और सारी से सारे पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते अगर आप ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये सारी होंगे बट अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हो तो ऐसा नहीं होगा ठीक है आपको ये समझ के चलना है अब सेकंड की बात करेंगे पूर्ण संख्या सारी की सारी जो पूर्ण संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या भी होती है वो परिमेय संख्या भी होती है बट ऐसा कभी नहीं होगा कि जो सारी की सारी परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या हो जाए और सारी की सारी जो पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या हो जाए ऐसा नहीं होगा अगर ऐसा पूछा जाए पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है तो हाँ सारी के सारी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है बट ऐसा कभी नहीं होगा कि सारी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है आप पूछा गया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है बोल देना हाँ होता है सत्य होता है ठीक है थर्ड में आपको पूछा गया कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो देखिए मैंने बताया कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या कभी नहीं होती है इसको आपको समझना है कभी सारी की सारी जो पूर्णांक संख्या होती है वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है ठीक है ये भी आपको बताया था कि अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये नहीं होगा ठीक है और इसके बाद में अगर फोर्थ की बात करें तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या होगी बोल देना हाँ होगी ठीक है अब बात करते हैं फिफ्थ की प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या प्रत्येक जो परिमेय संख्या क्या वो पूर्ण संख्या होगी क्या पूर्ण संख्या इधर आएगी क्या नहीं होगी ठीक है असत्य है आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे ये पांचों को पांचों क्वेश्चन अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के